हम कहूँ गाँव पंचायत से बोलता नहीं हरपुर घोटा से रुपलिया के घोटा के बीच में पुलवा उध्वस्त हो गई के गांव में पानी समा गई। नमस्कार, न्यूज पुनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। बिहार में कोसी नदी और गंडक नदी में उफान देखने को मिल रहा है और ऐसे में बिहार के कई जिलों और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इसी बीच खबर आ रही है बिहार के बेतिया से, जहां पर एक गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हो चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से गांव के जो लोग हैं बाढ़ के पानी से परेशान नजर आ रहे हैं। गांव छोड़िए, जो वहां की सड़क है वो तक नदी में तब्दील हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बेतिया में एक गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के बेतिया के गुनाहा में पहाड़ी नदियों ने तांडव करना शुरू कर दिया है। रूपवलिया गोठा गांव के बीच पुल ध्वस्त हो गया है। छरगाहा नदी ने पुल को ध्वस्त कर दिया है। पहाड़ी नदी का पानी गांव में प्रवेश करना शुरू हो गया है। सड़क पर 1 से 2 फीट पानी बह रहा है। ग्रामीण जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गोनाहा प्रखंड में पहाड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सभी नदियां उफान पर हैं। कठा नदी, मरजरी नदी गांव में भीषण कटाव कर रही है। नदी में अभी तक 2 घर विलीन हो चुके हैं। वहीं गोनाहा में 5 पहाड़ी नदियां उफान पर है। कटाहा, हरबोड़ा, गांगुली, मनियारी और बुढ़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में जो नदियां हैं वो उफान पर है और बिहार में इन नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया के गोनाहा में, जहां पर पहाड़ी नदियों ने भी अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि रूपवलिया गोठा गांव के बीच पुल ध्वस्त हो गया है और वो जो पुल आपको नजर आ रहा है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। तो देखिए, बिहार में गंडक नदी और कोसी नदी ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम पश्चिम चंपारण के बेतिया से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और वहां पर जो पुल बना हुआ है वो भी अब पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो चुका है। हम गांव पंचायत से बोलता नहीं हरपुर घोटा से रुपलिया के घोटा के बीच में पुलवा उध्वस्त हो गई। हमने के गांव में पानी समा गई। हम सुरेंद्र खलीफा बोलता नहीं हरपुर घोटा से नदी के नाम का बा नदी के नाम छगरा हो छगरा नदी।